This also means that no country is a perfect democracy. इससे ये भी पता चलता है कि कोई country जो है वो perfect democracy नहीं है. The features of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. जो भी features हमने democracy के इस chapter में पढ़े या discuss किए, वो खाली minimum conditions बताते हैं किसी भी democracy की. That does not make it an ideal democracy. इसलिए हम इसको ideal democracy नहीं मान सकते. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. हर democracy को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ideals होते हैं main democratic decision making में वो क्या हैं. This cannot be achieved once and for all. ये हमेशा एक बार में अच्छे से achieve कर लिए तो वो हमेशा के लिए हो गए, ऐसा नहीं है. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. इसके लिए continuous effort की जरूरत होगी कि हम बचाएं और मजबूत करें जो भी democratic forms है decision making की उनको. What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. हम जो भी as a नागरिक करते हैं अपनी country के, वो बहुत अंतर पैदा करता है कि हम अपनी country को जो है कम या ज्यादा democratic बनाते हैं. This is the strength and the weakness of democracy. यही हमारी एक तरह से कहते हैं strength भी है और weakness भी है democracy की. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we do as citizens do. जो country की fate है या जो country का भविष्य है, किस्मत है, वो depend करती है उस पर नहीं कि क्या rulers करते हैं, बल्कि उस पर कि हम as a नागरिक क्या करते हैं. This is what distinguishes democracy from other governments. इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो और गवर्नमेंट से अलग है. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजंस टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. जो बाकी फॉर्म्स है गवर्नमेंट की, जैसे कि मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है या वन पार्टी रूल है, उसमें सारे सिटीजंस की जरूरत नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें. इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजंस नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वो नहीं चाहती कि सिटीजंस जो हैं, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें. बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजंस. और जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह डिपेंड करती है कि एक प्रॉपर एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए जितने भी सिटीजंस हैं उनका. दैट इज वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. इसी वजह से डेमोक्रेसी की स्टडी है वो ज्यादातर फोकस करती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. बच्चों चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.